नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है, दोस्तों आपने देखा होगा काफ़ी लोग होते हैं जो क्रेडिट कार्ड से दोस्तों ईएमआई पे ही शॉपिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड इसीलिए होता है जिससे आप आसान किस्तों पर कोई भी चीज़ क्रेडिट कार्ड के द्वारा खरीद सको। दोस्तों, अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आपने उस पर कोई ईएमआई बनवा ली है, तो दोस्तों कैसे आप उसकी ईएमआई को पता कर सकते हो कि आपकी जो ईएमआई का दोस्तों जो पेमेंट है वो कब आएगा, ड्यू डेट कब है, और कैसे आप उसका दोस्तों जो ईएमआई डेट है उस ईएमआई को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। और साथ ही दोस्तों, आपको ईएमआई कैसे पे करनी है ऑनलाइन, ये भी मैं ईएमआई को पे करके दिखाऊंगा, जिससे अगर आपके ऊपर कोई ईएमआई चल रही हो कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो आप भी अपनी ईएमआई को घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर सको। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इसी के अंदर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पासवर्ड मांगेगा, आपको पासवर्ड दे देना है। दोस्तों, पासवर्ड देने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोस्तों जो मेरा यहाँ पे दोस्तों देखिए जो मेरा सेविंग अकाउंट है, तो मेरा अकाउंट नंबर शो हो रहा है। आपको आना है दोस्तों नीचे क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पर, देखिए यहाँ पर है क्रेडिट कार्ड, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर क्लिक कर देना है, जो सबसे ऊपर आ रहा है कोने में। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरा जो क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है यहाँ पर शो हो रहा है, ये क्रेडिट कार्ड ऊपर दोस्तों अकाउंट नंबर शो हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए मेरा ये क्रेडिट कार्ड का जो ईएमआई ट्रांजैक्शन है, ईएमआई दोस्तों मेरी जो लास्ट है वो है 461.90 रुपये, और इसकी लास्ट डेट है 12 अप्रैल, यानी दोस्तों कल, 2 दिन बाकी बचे हैं ईएमआई को पे करने के लिए। तो आप इसको पेमेंट कैसे कर सकते हो, दोस्तों आपने यहाँ तक तो देख लिया कि आप अपनी ईएमआई कैसे चेक कर सकते हो क्रेडिट कार्ड की, आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। और पेमेंट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबमिट पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए हमारा जो पेमेंट है हमारे अकाउंट से कटेगा, यानी दोस्तों इसी में अभी आपने जो अकाउंट नंबर देखा था उसी अकाउंट से हमारे पैसे कटेंगे। आपके अकाउंट में पैसे होना ज़रूरी है तभी पैसे कटेंगे, तो आपको कंफर्म पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों देखिए मेरा जो दोस्तों पेमेंट कट चुका है, और मेरे पास मैसेज भी आ चुका है बैंक की तरफ से कि आपके अकाउंट से 461.90 रुपये कट चुके हैं, और आपके अकाउंट जो क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। दोस्तों अभी कुछ घंटे के बाद मेरे पास क्रेडिट कार्ड वालों की तरफ से मैसेज आएगा कि आपकी ईएमआई पे हो चुकी है। अभी सिर्फ मेरे पास ये मैसेज आ जाए कि मेरा पेमेंट यहाँ से कट चुका है, और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट जो पेमेंट वाली वो प्रोसेसिंग में है, तो 24 घंटे के अंदर मेरे पास दोस्तों मैसेज आ जाएगा कि आपकी ईएमआई का पेमेंट हो चुका है। तो आप इस तरीके से घर बैठे ही अपने कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड की ईएमआई को पेमेंट कर सकते हो। और दोस्तों देखने के लिए कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की ईएमआई चेक कैसे कर सकते हो, दोस्तों देखिए अभी मैंने आपको सामने पेमेंट किया है, तो अभी यहाँ पर दिखा रहा है, मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी दोस्तों यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर तो दोस्तों वहाँ ऐड नहीं हुआ है, मेरे अकाउंट से तो कट गया यहाँ से, लेकिन यहाँ पर ऐड नहीं हुआ क्योंकि 24 घंटे का टाइम दे रहा है। लेकिन दोस्तों 24 घंटे नहीं लगते, कुछ ही घंटे लगते हैं, जब कुछ घंटे बाद यहाँ पर पेमेंट ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों जो ड्यू अमाउंट आ रहा है, ड्यू डेट आ रही है, ये भी हट जाएगी, और यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 00 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पेमेंट को पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपने कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड की ईएमआई को पता कर सकते हो कि ड्यू डेट कब है, और कैसे आप उसको ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।